चीन में कोरोना की नई आफत लाने वाले नए BF.7 वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दी है। गुजरात से लेकर तेलंगाना और कर्नाटक तक इसके कुछ मामले मिले हैं। इसके चलते देश में नई लहर का डर भी बढ़ा है। इसकी वजह ये कहा जाना है कि ये नया वेरिएंट तेजी से फैलता है। हालांकि भारत में अब भी हालात बेहतर हैं और बीते एक दिन में 196 नए केस ही सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,428 हो गई है। देश भर के इस डेटा को देखें तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन दो राज्य थोड़ी फिक्र बढ़ा देते हैं। ये दोनों राज्य हैं कर्नाटक और केरल। इन दोनों राज्यों में ही देश भर के केसों के मुकाबले 80% केस हैं। एक तरफ कर्नाटक में 1,221 एक्टिव केस हैं, तो वहीं केरल में 1,397 सक्रिय मामले हैं। दोनों ही राज्यों में बड़ी आबादी है जो विदेश में बसी है। ऐसे में प्रवासी भारतीयों के आवागमन के चलते यहां केस बढ़ने की आशंका अधिक है। इन दोनों राज्यों के बाद तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां फिलहाल 148 सक्रिय मामले हैं। चौथे नंबर पर ओडिशा है, जहां फिलहाल 101 सक्रिय केस हैं। इन चार राज्यों के अलावा देश के सभी राज्यों में 100 से कम ही मामले हैं। खासतौर पर यूपी जैसे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में 57 केस हैं, जबकि बंगाल में 53 मामले हैं। इसके अलावा राजस्थान में 89 और पंजाब में 37 केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में फिलहाल 46 एक्टिव केस हैं।